नमः प्रार्थना वदामः कुर्मः। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरुः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। नमो नमः। तो हमने गत सप्ताह में जो देखा वो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि ऋग्वेद में कथा साहित्य का जो बीज है वो दिखता है। ऋग्वेद की सरमा पणि संवाद का हमने उदाहरण के तौर पे उसकी कथा मैंने बताई थी कि सरमा नामक कुत्ती जो है वो इंद्र की शुनक है और वो पणि नामक राक्षसों ने जो गोधन चुराया हुआ है उसको ढूंढ के लाती है। यह कथा का बीज, ऐसी अनेक कथाओं का बीज हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में उपदेशात्मक कथाएं आती है और वहां हमने ऐतरेय ब्राह्मण का कथा बीज भी देखा। उसके बाद उपनिषद में हमने नचिकेता उपाख्यान के बारे में देखा और नचिकेता जैसे यम को वर मांगते हैं और जो तीसरा वर है वो आत्मज्ञान के बारे में होता है। तो ऐसा वर इतना छोटा बालक जो अत्यंत विद्वान है वो मांगता है, इसलिए यमदेव भी संभ्रमित हो जाते हैं कि इतने छोटे बालक को इतना ज्ञान कैसे दे। फिर हमने देखा कि शांति पर्व में जो भी नीति परक श्लोक है तो पंचतंत्र में उसका बीज दिखाई देता है। पंचतंत्र का बीज महाभारत में दिखाई देता है। फिर रामायण के बारे में हमने पढ़ा कि संक्षिप्त ऐसे कथा के उल्लेख आते हैं। बौद्ध कथा साहित्य, जातक कथा सभी को मालूम है और सभी विद्वान उसकी सराहना करते हैं। और जैन साहित्य में जो प्रथमानुयोग, चार अनुयोग है उसमें से प्रथमानुयोग जो है उसमें कथाओं के द्वारा जैन सिद्धांतों को बताया जाता है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी काकोलुकम ऐसा उल्लेख ऐसे लिखा हुआ दिखता है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि शायद कथाएं लोक कथा इस रूप में प्रचलित थी, स्पेशली पंचतंत्र का तीसरा तंत्र काकोलुकम नाम से बहुत प्रसिद्ध है। फिर हमने कथा शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ देखा। कथ वाक्य प्रबंध है, इस अर्थ से कथ धातु से अंग प्रत्यय करके फिर स्त्री प्रत्यय टाप करके कथा शब्द बनता है। कथा मतलब क्या है? प्रबंध कल्पना, प्रबंधस्य अभिधेयस्य कल्पना, मतलब जो बताना है उसकी कल्पना। एक जो कुछ बताने लायक चीज है उसको कल्पना स्वरूप विस्तृत करके उसको बताना। गद्यमयी रचना का जो एक भेद होता है आख्यायिका, उससे जो भिन्न होता है वो कथा रूप है। काल्पनिक जगत का दीपेन जी कुछ पूछना चाहते हैं अभी या कुछ बताना चाहते हैं? जी महोदया, प्रश्न था। नमस्कार। मैं ले लूंगी, सुनाई तो देता है ना। हाँ, सुनाई दे रहा हूँ। ये कथ जो आप नहीं सुनाई देती है, मेरी आवाज आ रही है महोदया? बहुत कम आ रही है महोदय। अस्तु, तरही गद्यमय रचना का जो एक आख्यायिका है उससे जो भिन्न है उसे कथा कहा जाता है। और काल्पनिक जगत का वर्णन इसमें कथाओं में आता है, ऐसा हमने देखा है।
उसके बाद हमने देखा कि कथा श्रवण के क्या परिणाम हो सकते हैं, कि मनोरंजन है होता है ये तो एक बात है ही है। उसके बाद हमने देखा कि कुतूहल मन में उत्पन्न हो जाता है, घटना वैचित्र्य मतलब घटनाएं कैसे विचित्र धर्म से प्रवृत्त होती है ये भी हमें यहाँ पता चलता है, और कहानी कोई भी है उससे बोध तो हमें मिल ही जाता है। फिर हमने कथा के उद्देश्य देखे, धार्मिक शिक्षण के लिए कथाएं बताई जाती थी, धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए या किसी और सिद्धांत के प्रचार के लिए भी कथाएं बताई जाती है। और फिर हमने देखा कि जो उपदेश देते हैं, तीन प्रकार का उपदेश होता है, उसमें एक प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश होता है। जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है जैसे वेद में बताया है या फिर देवों ने बताया है, वो प्रभु सम्मित मतलब आज्ञा के रूप में जो उपदेश मिलता है वो। एक है मित्र सम्मित, जो समझाता तो है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, लेकिन कांता सम्मित उपदेश एक तीसरे प्रकार का उपदेश है जिसमें पत्नी अच्छे भले की पहचान पति को देती है और उसे समझाता समझाती है कि ये करने से क्या फायदे हो सकते हैं, तो वो उपदेश हर एक सुनता है। अभी जो ये कांता सम्मित तो उपदेश होता है वो शर्करा गुंठित भेषज जैसे होता है, मतलब क्या है, शक्कर जिसको लपेटी हुई है ऐसी औषधि रूप में ये उपदेश होता है, पता ही नहीं चलता है कब हमने वो अपना लिया है। कभी कभी कथाएं खुद के अनुभव के प्रसंगों का वर्णन करना इसलिए भी बताई जाती है। इसके बाद हमने देखा कि इसका उपयोजन, इसका प्रसार कैसे हुआ, तो उपयोजन के बारे में बालकों के लिए छल पूर्वक नीति बताने के लिए भी कथाओं का उपयोग होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, योग्या योग्य की परख करने के लिए कथाओं का उपयोजन किया जाता है। और जो कथा साहित्य कृति है, हमारे जो तंत्र है कथा बताने के भारतीय साहित्य में, उसका प्रसार पूरे भारत भर हुआ दिखाई देता है, यात्रीजनों द्वारा या व्यापारियों द्वारा उसका प्रसार हुआ हमें दिखाई देता है। विशेषतः पेटिका में पेटिका, जैसे एक कथा से दूसरी कथा पंचतंत्र वाली, और जो न, आ, मातृष्का मतलब रशियन गुड़िया जैसी एक के अंदर एक निकलती है वैसी वाली जो कथाएं होती है, तो उन कथाओं का प्रचार और प्रसार और देशों में दिखाई देता है, और उसी वजह से हमें अरेबियन नाइट्स की कथा जैसी कथाएं दिखती है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कथा के प्रकार होते हैं, वो है निहित कथा और उपदेशात्मक मतलब उपदेशात्मक कथा, और दूसरी होती है कल्पित कथा मतलब अद्भुत कथा, जिसमें उपदेश तो एकाद दूसरा नीति परक कुछ तो हमें मिल जाएगा, लेकिन अद्भुतता उसमें भरपूर होती है। फिर हमने आख्यायिका और कथा के भेद और साम्य देखे, क्या समानता है उसमें ये देखा। तो ये प्रायः सबको याद होगा कि आख्यायिका जो होती है तो इतिहास प्रसिद्ध होती है, विषय विभाजन का नाम उसको दिया जाता है, उसको आश्वास कहते हैं, और जो आश्वास होता है उसके आरंभ में ही आगे क्या होने वाला है उसका सूचन किया जाता है। उसमें परंपरा आश्रित कथन होता है, मतलब परंपरा से क्या हुआ है इसके बारे में बताया जाता है। उसमें कवि का वंश का वर्णन होता है या फिर और कवियों के वर्णन आते हैं, या फिर राजा का वर्णन आता है, राजा के वंश का वर्णन आता है, और कथाओं में ये सब नहीं होता है, किंचित सत्य होता है, कथा में किंचित सत्य होता है। और इसके उदाहरण तौर पर कथा का उदाहरण है कादंबरी और आख्यायिका का उदाहरण है हर्षचरितम। यहाँ तक हमने पिछली
वर्ग में देखा ही है। अब आगे देखते हैं, वेताल पंचमी विंशति अद्भुत कथा है, ये भी हमने देखा, कथा है और उसमें अद्भुत कथा है। अभी हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि ये जो बृहत कथा है ये किसने लिखी है। बृहत कथा एक कथा कोश है, ये किसने लिखी है, तो गुणाढ्य ने लिखी है। इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है और वो सोमदेव लिखित कथा सरित सागर में लिखी हुई है। तो ये जो सातवाहन नामक राजा था द्वितीय संवत्सर में, तो उसने एक बार अपनी पत्नी के साथ वो जल क्रीड़ा कर रहा था। तो जब जल क्रीड़ा कर रहा था, वो पानी से हाथ से अपने पत्नी के ऊपर वो छिड़क रहा था, पानी फेंक रहा था, तो पत्नी बोलती है, मोदक ही परिताड़य माम। उसने क्या कहा, मोदक ही परिताड़य माम। उसका कहना था, माँ उदक ही परिताड़य माम। माँ मतलब मत करना, क्या मत करना, पानी से मुझे, उदक का मतलब पानी, पानी से मुझे मत मारना, मत फेंकना, पानी मुझ पर मत फेंकना, ऐसा उसका कहना था रानी का। लेकिन राजा को क्या लगा, मोदक ही, तो उसने अपने दास को, जो उसके दास गण थे, उनको आज्ञा दी कि मोदक लाए जाए। तो ये देख के रानी उसकी बहुत निर्भत्सना करती है और उसे समझ में आता है कि कुछ गलती हुई है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण हमें नहीं आता है। तो उसने तुरंत विद्वानों को बताया कि मुझे संस्कृत सीखना है, वो संस्कृत का व्याकरण सीखना है। तब दरबार में शर्ववर्मा नामक एक और पंडित है और गुणाढ्य नामक एक पंडित है। ये जो गुणाढ्य है वो राजा को बोलता है कि मैं 4 साल में आपको संस्कृत या संस्कृत का व्याकरण पूरी तरह से सिखा सकता हूँ। लेकिन शर्ववर्मा जो है उसने बोला कि मैं आपको 6 महीने में संस्कृत का व्याकरण सिखाता हूँ। गुणाढ्य अत्यंत अपमानित हुए, उनको अपमान जैसे लगा कि 4 साल में जो बात सिखाई जा सकती है वो कोई 6 महीने में सीख सकता है। इसलिए उसने प्रण किया कि आज से मैं संस्कृत में बात नहीं करूंगा। वो उस राजधानी से निकल गया, निकल कर वो आगे अरण्य में जाके रहने लगा। वहां वन में विद्याधरों से बताई हुई कहानियां उनसे उसने सुनी और उसको वो कहानियां बहुत अच्छी लगी गुणाढ्य को। तो उसने सभी कहानियों को श्लोक स्वरूप उसकी रचना करके रखा। लेकिन इन रचना को ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने खुद के रक्त से, ब्लड से लिखा। तो ये सत्य है असत्य है इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसा कथा सरित सागर में भी लिखा हुआ है। तो उसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि विद्याधर जो होते हैं वो फिर से उससे कथा छीन कर न ले जाए, इसलिए विद्याधर रक्त को नहीं छूते हैं, इसलिए उसने रक्त से कहानियां लिखी है, ऐसा उधर उद्धरण आता है। तो उन कथाओं को लेके राजा पुनः गुणाढ्य के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं। कभी तो राजा श्रेय से ही उसको कुछ मिल सकता है और गुणाढ्य जैसा विद्वान और कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो फिर से गुणाढ्य के पास गए। लेकिन गुणाढ्य को अभी विद्या का मद चढ़ा हुआ था, उन्होंने गुणाढ्य को फिर से अपमानित किया। क्यों, क्योंकि गुणाढ्य ने ये कथाएं पैशाची भाषा में लिखी थी। पैशाची भाषा मतलब क्या है, पिशाचों की भाषा है वो पैशाची भाषा, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो संस्कृत नहीं है वो पैशाची भाषा होती है। अभी तक हम बता नहीं सकते हैं कि पैशाची भाषा मतलब शायद प्राकृत का कोई एक प्राकृत भाषा हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है।
जब राजा ने गुणाढ्य को राज्य से निकाल दिया तो गुणाढ्य फिर से वन में आकर रहने लगे। वो अपनी एक एक कथा का पत्र निकालते थे, उसमें लिखा हुआ श्लोक पढ़ते थे, और वो श्लोक का पत्र जो है वो अग्नि में डालकर जलाने लगे। तो जो पशु पक्षी वो वन में थे, वो सब भूखे प्यासे वहां पे आके बैठ के वो कहानी सुनते थे। और उस इन सब चीजों का कई दिनों के बाद राजा को पता चला। राजा को पता चलने के बाद राजा खुद वन में आता है और गुणाढ्य को सम्मान पूर्वक राजदरबार में लेके जाता है। और राजदरबार में ले जाने के बाद गुणाढ्य उनको बताता है कि जो 7 लाख कथा पत्र थे तो उसमें से अभी तो 1 लाख ही बचे हैं। तो वो सारे कथा पत्र वो राजा को दे देता है। तो अभी हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्या ये गुणाढ्य लिखित पैशाची भाषा वाली बृहत कथाएं जो है क्या वो उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं, अभी तो वो अनुपलब्ध ही है, वो काल समय अनुसार वो नष्ट हुई है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद किसी और ने, मतलब नेपाल के बुद्ध स्वामी ने 9वें शतक में इन कथाओं को संस्कृत में लिखा। स्मरण से या लोक उक्तियों द्वारा, ये कथाएं तो प्रचलित थी, तो उनको नेपाल वासी बुद्ध स्वामी ने पुनः लिख दिया। फिर 11वें शतक में क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी। कश्मीर निवासी थे वो, लेकिन क्षेमेंद्र की कथाएं बहुत कठिन भाषा में लिखी गई थी, इसलिए उस नगर की रानी ने सोमदेव को बताया कि आप सुलभ रूप से कथा सरित सागर में उन्हीं कथाओं का समावेश कीजिए। तो तकरीबन उसी समय 11वें शतक में कश्मीर निवासी सोमदेव ने इन कथाओं को पुनः लिखा। मतलब हमने क्या देखा कि पहले गुणाढ्य में पैशाची भाषा में इन कथाओं को लिखा, वो कथाएं बृहत कथा नामक ग्रंथ में लिखी गई थी। उसके बाद इन बृहत कथाओं को बृहत कथा लोक संग्रह इस नाम से बुद्ध स्वामी ने लिख दिया 9वें संवत्सर में। उसके बाद बृहत कथा मंजरी और उसके बाद कथा सरित सागर, इस रूप से सोमदेव ने ये कथाएं लिखी हुई है। यहाँ तक हमने देख लिया है, अभी इसके आगे हम जाते हैं, आगे क्या हुआ। तो सोमदेव लिखित ये जो कथा सरित सागर है उसमें 18 लंबक है और 124 तरंग है। मतलब क्या है, चैप्टर्स और सब चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स है, विभाग है और उसके उपविभाग है, और वो तरंग नामक जाने जाते हैं। तो कितने श्लोक है इसमें, 21,388 श्लोक इसमें है और प्रायः सभी अनुष्टुप छंद में आते हैं। ये जो हमारा प्रस्तुत विषय है वेताल पंचविंशति, ये कहाँ आता है कथा सरित सागर में? तो 12वें लंबक जिसका नाम है शशांकवती वृत्तम, ये उस लंबक का नाम है, उसमें 8वें तरंग में 25 कथाएं आती है और वही है वेताल पंचविंशति। वो श्लोक कैसे है देखिए, प्रतिष्ठानाभिधानोऽस्ति देशो गोदावरी तटे तत्र विक्रमसेनस्य पुत्रः शक्रपराक्रमः प्राक्त्रिविक्रमसेनाख्यः ख्यातकीर्तिरभून् नृपः। तो इस स्वरूप में, श्लोक स्वरूप में ये कथाएं आती है। तो क्या ये हम यही कथाएं श्लोक रूप में सीखने वाले हैं? जी नहीं। तो ये जो श्लोक रूप में कथाएं 25 कथाएं उपलब्ध थी, उनका पुनर्लेखन
दिल्ली निवासी, देहली निवासी सुरेंद्रनाथ शास्त्री और कोचर, इन दोनों विद्वानों ने किया। लेकिन ये जो लेखन था वो उन्होंने पद्य से गद्य रूप में किया है, मतलब वाक्य रूप में वो कथन किया है, वो कथाएं आती है। और 25 कथाओं में से केवल 8 ही कथाएं उन्होंने इस पुस्तिका में प्रसिद्ध की हुई है। ये छात्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसी पुस्तक रूप में उन्होंने प्रसिद्ध की हुई कथाएं हैं। अभी इसकी सॉफ्ट कॉपी आर्काइव पे उपलब्ध है। आज क्लास खत्म होने के उपरांत मैं आपको व्हाट्सएप पे उसकी आर्काइव लिंक भेज दूंगी, और हमारे कोर्स पेज पे भी वो कोर्स जो डेस्कटॉप कोर्स जहाँ आता है, उसका मटेरियल जहाँ होता है, वहाँ पे भी वो एक्सटर्नल लिंक के द्वारा वहाँ आपको मिलेगी। तो वो जो पुस्तक है उसकी द्वितीय आवृत्ति 1949 साल में द्वितीय आवृत्ति निकली थी। इस पुस्तक की शैली अत्यंत उत्तम है। जो मूल रूप है कथा सरित सागर का, उन्होंने वो ऐसे का वैसा रखा है, लेकिन उसका अन्वय स्वरूप उन्होंने लिया है। जो 8 कथाएं हैं उसके अलावा कथाओं के प्रारंभ में क्या होता है, जिसको कथोपक्रम कहा गया है, वो पहले आता है। उसके बाद 8 कथाएं आती है, और उसके बाद कथाओं का उपसंहार, मतलब समाप्ति के यहाँ क्या होता है। अंतिम 25 कथाएं होने के बाद जो लिखा गया है कथा सरित सागर में, वो कथोपसंहार के रूप में आता है। और 25 कथाओं के पहले जो लिखा गया है वो कथोपक्रम के द्वारा आता है। सो हम लोग प्रस्तुत कोर्स में ये सुरेंद्रनाथ शास्त्री जी के जो पुस्तिका है उसका प्रतिपद अध्ययन करेंगे। उसमें जो पर पद लिखा हुआ है, हर एक शब्द में क्या लिखा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शायद आज सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। लिंक आपको भेज दी जाएगी, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये जो सुरेंद्रनाथ शास्त्री और कोचर, इनका जो लिखित पुस्तक है वो कहाँ से किस पर आधारित है? सोमदेव भट्ट के पुस्तक पर आधारित है या क्षेमेंद्र के पुस्तक पर आधारित है? तो सोमदेव भट्ट के संस्करण पर ये कथाएं, वहां से वो कथाएं ली गई है, यहाँ हमें दिखता है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वगैरह मैं बाद में आपको देती हूँ, चिंता मत कीजिए। अभी ये कथाएं लिखते वक्त उन्होंने विभिन्न विभिन्न शैलियों का उपयोग किया है। जो संधि नियम होते हैं, सामान्यतः जो परिचित नियम है वो तो हमें मालूम है, लेकिन अपरिचित नियमों का उपयोग उन्होंने वाक्यों में किया है संधि लिखते हुए। वैकल्पिक स्वरूपों का, रूपों का परिचय हमें इस पुस्तिका में हो जाएगा। लकार के विभिन्न रूप, विभिन्न लकार हमें यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकतम रूप से लूंग लकार, जो प्रायः हम अभी भूल गए हैं उसका कैसे उसका उपयोग करना है, उसका उपयोग करके ये पुस्तिका लिखी गई है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, अध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसी ये पुस्तिका है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इस सब के बारे में हमें पता चला है। एक कक्षा में तो अभी वेताल पंचविंशति कथा मतलब क्या है, शीर्षक ऐसा क्यों दिया है? वो वेतालोक्ता पंचविंशति ही कथा। हाँ, वेतालोक्ता हाँ पंचविंशति ही कथा। हाँ मतलब वेताल द्वारा बताई गई, वेताल ने बताई हुई
25 कथाएं, पंचम विंशति मतलब 25 कथाएं जिसमें है उसे वेताल पंचम विंशति कथा ऐसा नाम, ऐसा शीर्षक दिया गया है। हमें हिंदी में या अपनी भाषा में विक्रम और वेताल इस नाम से ये कथाएं मालूम है, कभी तो हमने सुनी है या फिर नाम तो सुना ही है। लेकिन क्या आपको इसका प्रारंभ क्या है, इसका अंत है, वो कुछ पता है क्या? अगर नहीं पता है तो यहाँ मालूम हो जाएगा, अगर भूल गए हैं तो भी आपको यहाँ वो समझ में आ जाएगा। तो हम क्या 25 कथाओं का अध्ययन करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ 8 कथाओं का अध्ययन करेंगे। हमारे पास समय जो है उस समय में हम 8 कथाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन इन कथाओं का अध्ययन होने के बाद आप जो बाकी कथाएं हैं वो खुद से पढ़े, ऐसा मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है। सो ये वेताल पंचविंशति जो सुरेंद्र नाथ शास्त्री ने और कोचर जी ने जो लिखी हुई है उसके प्रारंभ में बाणभट्ट लिखित एक श्लोक आता है, उससे उन्होंने प्रारंभ किया है। प्राय हमने देखा है कि सभी कथा हो या वांग्मय हो या साहित्य हो उसका आरंभ जो होता है वो मंगलाचरण से होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने बाणभट्ट लिखित श्लोक जो कि वो स्टूडेंट्स छात्रों के लिए लिखी गई थी, वो बाणभट्ट लिखित श्लोक से उन्होंने उनका उनकी उस कथा पुस्तिका की शुरुआत की है। तो क्या है ये प्रारंभिक श्लोक, अभी हम देखते हैं। अति गुणवत्यपि काव्ये पिशिनो पिशूनो न्वेषयति दूषणानि सुंदरेऽपि वपुषी व्रणमेव हि मक्षिकानि करः, ऐसा श्लोक है ये। क्या कहना है इसका? अति गुणवती अपि, अति गुणवती अपि काव्ये पिशुनः अन्वेषयति दूषणानि सुंदरे अपि वपुषी व्रणम एव हि मक्षिका निकरः। अभी इसका अन्वय करते हैं, अन्वय मतलब सामान्य वाक्य रूप में इसको अगर लिखना है तो कैसा लिखा जाएगा? पिशुनः अति गुणवती अपि काव्ये दूषणानि अन्वेषयति यथा सुंदरी सुंदर यथा ही सुंदरे अपि वपुषी व्रणम एव मक्षिका निकर। तो क्या कहते हैं? पिशुनः मतलब जो मिथ्या निंदा करते हैं वो क्या करते हैं? अन्वेषयति मतलब ढूंढ निकालते हैं। क्या ढूंढ निकालते हैं? दूषणानि मतलब दोष ढूंढ ही निकालते हैं। कौन? मिथ्या निंदा करने वाले दूषण मतलब दोष ढूंढ निकालते हैं। कहाँ ढूंढ निकालते हैं? काव्य में ढूंढ निकालते हैं। काव्य कैसा होता है? अति गुणवती अपि काव्ये यद्यपि मतलब काव्य अत्यंत गुणवान हो, गुणवत हो तभी तभी भी दूषण मतलब दोष उसमें से ढूंढ ही निकालते हैं। तो ये समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण लिया है और वो उदाहरण है कि अत्यंत सुंदर शरीर है, वपु मतलब शरीर, अत्यंत सुंदर शरीर पे अगर मक्खियां आकर बैठेगी तो वो कहाँ बैठेगी? वो सुंदर शरीर के सुंदर भाग पर नहीं जाके बैठती है, बल्कि शरीर पे जहाँ पे व्रण होता है मतलब कोई वूंड है उसके ऊपर मक्खियों का झुंड आके बैठ जाता है। उनको जो दोष है वही प्रिय है। तो इससे हमें क्या सूचित करना करना चाहते हैं सुरेंद्र जी और कोचर जी? तो वो कहना चाहते हैं कि यदि आप ये काव्य, ये जो वेताल पंचविंशति कथाएं आगे पढ़ने वाले हैं उसमें पिशु न होके मतलब मिथ्या निंदा करने वाले के रूप में आप दोष मत ढूंढिए,
उसमें जो अच्छी बातें हैं उनका ग्रहण कीजिए, न कि मक्खियों जैसे व्रण पे जाकर बैठना है, अपितु रसिक होके उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसका ग्रहण करना है, ऐसा उन्होंने इस श्लोक द्वारा बताया है। तो अभी तक किसी को कोई प्रश्न है या नहीं है? एक और 10 मिनट में आगे सिखाऊंगी, उसके बाद आपको प्रश्न और कुछ सूचनाएं हैं वो बताऊं। तो हमने अभी क्या देखा है, पिशुनः अति गुणवती अपि काव्ये दूषणानि अन्वेषयति यथा हि सुंदरे अपि वपुषि व्रणम एवं मक्षिका निकरः। मतलब जो निंदक होते हैं अत्यंत गुणयुक्त ऐसे काव्य में भी वो दोष ही ढूंढ निकालते हैं, जैसे मक्खियों का जो झुंड होता है वो सुंदर शरीर के व्रण पे ही आकर बैठ जाता है, न कि अच्छी चीजों को देख पाता है। तो हमें रसिक होकर इस काव्य का ग्रहण करना है। यस प्रेमा जी बोलिए। आर्य व्रणम, हाँ? व्रणम क्या होता है? मतलब जख्म। ओके, धन्यवाद। ओके। तो हम अभी कथोपक्रम जो है उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे। कथोपक्रम मतलब क्या है? कथाओं का आरंभ। इन विच छंद इज दिस श्लोक? दिस इज नॉट अनुष्टुप छंद, आई नीड टू फाइंड आउट विच छंद इज दिस। ओके। कथोपक्रम मतलब कथाओं का आरंभ, मतलब ये कथा कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसमें कौन पात्र आएंगे, इस सब का हमें कथोपक्रम में पता चलेगा, कथाओं का आरंभ। तो देखिए, अस्ति गोदावरी नदी तीरे प्रतिष्ठानाभिधानो जानपद तत्र पुरा भूभुजः विक्रमसेनस्य सुनुः चक्रविक्रमः त्रिविक्रमसेनः नाम ख्यातकीर्तिः भूपतिः बभूव। प्रत्यहम् आस्थानगतस्य तस्य सेवार्थं क्षान्तिशीलः नाम कश्चन भिक्षुः फलम् एकम् उपाजहार। अगर ये परिच्छेद आपने पढ़ा तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि जो हमने श्लोक स्वरूप पढ़ा था उसी का वाक्य रूप सहजगम्य ऐसा उन्होंने लेखन किया हुआ है। तो हम हर पद का अर्थ अभी हिंदी में बताऊंगे और बाद में हम व्याकरण क्या है उसका देखेंगे। अस्ति गोदा नदी तीरे, गोदा मतलब गोदावरी नदी के तट पर, प्रतिष्ठान अभिधान हो प्रतिष्ठान नामक जानपद हो मतलब गांव नगरी, प्रतिष्ठान नाम की नगरी गोदावरी नदी के तट पर थी। वहां पे तत्र वहां पूरा प्राचीन काल में भूभुजः विक्रमसेनस्य, भूभुजः मतलब राजा के, विक्रमसेन के, सुनु मतलब पुत्र, शक्र विक्रम शक्र जैसा विक्रम जिनका है, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र जैसा जिनका विक्रम है, ऐसे त्रिविक्रमसेन नाम, त्रिविक्रमसेन नाम के ख्यात कीर्ति ही मतलब जिनकी कीर्ति अत्यंत प्रसिद्ध थी, ऐसे भूपति ही बभूव, ऐसे राजा हुए। कौन से राजा हुए, उनका नाम क्या था? भूपति ही बभूव। कौन से राजा? विक्रमसेन नामक राजा।
कैसे थे, ख्यात कीर्ति थे, मतलब जिनकी कीर्ति बहुत प्रसिद्ध थी, ऐसे थे। और कैसे थे, चक्र जैसे विक्रम वाले थे, मतलब इंद्र जैसे जिनका विक्रम था, ऐसे। वो किसके पुत्र थे, राजा विक्रमसेन के पुत्र थे। वो कब वहां रहते थे, पूरा मतलब प्राचीन काल में। आगे जो वाक्य है उसका अर्थ करते हैं हम। प्रत्यहम आस्थानगतस्य, प्रत्यहम म्हणजे मतलब प्रतिदिनम, हर रोज। आस्थानगतस्य मतलब जो सभा में बैठे हुए, उसके, तस्य मतलब उसके, सेवार्थम सेवा के लिए, शांतिशील हो, शांतिशील नाम का नाम, शांतिशील हो नाम, शांतिशील ऐसे नाम का, कोई भिक्षु, कश्चन भिक्षुक हो, कोई भिक्षु है, वह फलम एकम उपाजहार, वो राजा को हर दिन एक फल उपहार स्वरूप देता था। तो इस परिच्छेद का पूरा अर्थ शायद आपको समझ में आया है कि गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नाम का एक नगर था, उधर विक्रमसेन राजा के पुत्र त्रिविक्रमसेन नाम के राजा हुए। उनको शांतिशील नाम का कोई भिक्षु हर रोज एक फल लाके देता था। कब, जब वो सभा में आके बैठते थे तब। अभी मैं आपको प्रश्न पूछूंगी और आपको सबको उसके उत्तर देने हैं। ओके, आप हाथ ऊपर करके उसके उत्तर दे सकते हैं। अभी वही परिच्छेद है, आप सबको उसका व्याकरण संधि विच्छेद मुझे बताना है। यस पूर्णिमा जी, बोलिए। मतलब पूरे सेंटेंसेस का अर्थ मुझे बताएं। नहीं, अर्थ नहीं बताना है, अर्थ तो मैंने बता दिया है। ये जो प्रतिष्ठानाभिधानों, हाँ, यहाँ पे क्या संधि है? हाँ, प्रतिष्ठान अभिधान। उत्तमम, बहुत उत्तमम, अस्ति। अग्रे और कौन, प्रेरणा जी बोलिए, आगे क्या है? भुभुजो विक्रमसेनस्य, यहाँ पे क्या संधि है? पूर्णिमा जी बोलिए। भूभुज, भूभुजः। उत्तमम। शक्र विक्रम स्त्री विक्रम सेनो, यहाँ पे भी सेनह ऐसा विग्रह होता है। भूपतिर बभूव, वाणी जी बोलिए। भूपति भूपति बभूवा, भूपति ही बभूवा। बहुत उत्तमम, अस्तु। अग्रिमपि भवती एव वदतु। प्रत्यहम् आस्थानगतस्य, प्रत्यहम् आस्थानगतस्य, इस शब्द का संधि बताइए। वाणी जी, प्रत्यहमास्थान अग अगत अगतस्य नहीं, प्रत्यहम् प्रत्यह, आस्थानगतस्य। ओ सॉरी, थैंक यू। सेवार्थम शांतिशीलो नाम, यहाँ पे भी शांतिशील नाम, कश्चन भिक्षु। अभी आगे का शब्द का जो है वो शगुन जी आप बताएं। फलम एकम ये उपजहार, हाँ बात आ रही है, फलम हाँ हाँ आ रही है, आ रही है, बोलिए। एकम उपाजहार, बहुत उत्तम। पढ़ना सही है अक्षर। हाँ, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं क्या है। देखिए, प्रतिष्ठानाभिधानो, प्रतिष्ठान अभिधान हो, भूपति ही बभूव। लेकिन ये बभूव क्या है? बभूव भू धातु का लिट लकार का, मतलब परोक्ष भूत का, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं, उसका रूप है। उसका प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है।
लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रत्यहम आस्थान गतस्य, आस्थान मतलब सहा, गतस्य सभा, और गतस्य मतलब जब सभा में बैठता है तब। फलम एकम उपाजहार, उपाजहार इस रूप में लिट लकार मतलब फिर से परोक्ष भूतकाल है, लेकिन धातु है यहाँ पे र, और उसको उपसर्ग लगे हुए हैं उप और आ, उप आ रु, इसका रूप होता है उपाजहारो। ये भी लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन मतलब हरण किया, इसका ऐसा अर्थ हुआ। तो शायद यहाँ तक हमें सब समझ में आया है। किसी को कोई प्रश्न है तो आप कृपया पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कैन यू प्लीज टेल ब्रीफली अबाउट लिट लकार? ओके, आई विल टेल इट लेटर वंस वी फिनिश द कथोपक्रम। आई विल टेक द ग्रामर क्वेश्चन, वॉट इज लिट लकार, वॉट इज, ओके, बिकॉज राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इट विल बी किसी किसी और के लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। तो पहले थोड़ा कथोपक्रम हम कथम करते हैं और उसके बाद लिट लकार के बारे में, या और कोई लकार आते हैं उसके बारे में मैं बोलूंगी। हाँ, यस, अच्छा त्रिविक्रम सेन, ओके। सो यहाँ पे क्या है, शक्र विक्रम स्त्री विक्रम सेनो, ऐसा संधि है वहां पे। तो शक्र विक्रम, शक्र मतलब इंद्र, शक्र विक्रम मतलब जिसका पराक्रम शक्र जैसा है, जिसका पराक्रम इंद्र जैसा है, ऐसा कौन? विक्रम सेन नाम का कीर्ति प्राप्त, कीर्ति से प्रसिद्ध ऐसा राजा हुआ। और किसी को कोई प्रश्न है? बाकी जिसको प्रश्न नहीं है वो हाथ नीचे करे तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या प्रश्न है। यस वाणी जी पूछिए, ओके। प्रेमा जी पूछिए। आर्य प्रत्यहम प्रति अहम का नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे अहन अहन मतलब नकारांत, ऐसा नाम है। अहन मतलब दिन दिवस, अहनी अहोरात्र में जो हमें सुनाई देता है वो अहो मतलब अहन का ही एक रूप है। प्रत्यहम मतलब प्रति अहन मतलब हर दिन प्रतिदिन, ऐसा उसका अर्थ हुआ। अहन है लेकिन वो अहन का न चला जाता है और प्रत्यहम हो जाता है उसको। धन्यवाद। हाँ, और किसी को प्रश्न है? हरिनी, हरिनी, यस, बभूव का अर्थ क्या है? हो गया, हुआ, पास्ट में हुआ। अभी लिट लकार के बारे में मैं अभी थोड़ा ही बताती हूँ, जस्ट आपको कुछ मन में ना रहे इसलिए। संस्कृत में तीन प्रकार के भूतकाल होते हैं। एक है जो आज अभी जो घटना घड़ी है, लेकिन घटी है लेकिन अभी के मतलब वर्तमान काल से पहले, ये एक भूतकाल है। दूसरा भूतकाल है जिसमें विशेष रूप से कुछ बताया नहीं गया है कि कब घटना हुई है। और तीसरा जो होता है वो है परोक्ष, मतलब हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ ऐसा कोई काल, ऐसा कोई प्रसंग, मतलब अत्यंत प्राचीन काल में जो घटा है उसके बारे में परोक्ष भूतकाल या लिट लकार का प्रयोग हो जाता है। शायद ठीक इतना आपको समझ में आया है सबको। जी। आस्थान गतस्य में संधि नहीं है, आस्थानम गतः तस्य, ऐसा उसका अर्थ हम लेते हैं। ठीक है। आगे सही राम पूछिए। सही राम अद्री जी,
वही आपको पूछने वाला था, आस्था न कतस्य का ये संधि क्या है वो। थैंक ओके। शंकरी यू थैंक यू। रमेश, विक्रमसेन ये प्रश्न है। विक्रमसेनस्य पुत्रस्य नाम त्रिविक्रमसेनः आम, सत्यम। इति वा? शक्रविक्रमस्त्रिविक्रमसेनः इत्युक्ते यः शक्रम इव विक्रमं करोति तादृशः त्रिविक्रमसेनः इति तस्य अर्थः। चक्रः नाम इन्द्रः। उपमा वा तत्र? हा, उपमा इव। अस्तु महोदय, पुनः अन्य संशयः अत्र सम्बन्धः अस्ति वा इति न जाने, पञ्चतन्त्रं पुनः हितोपदेशः द्वयोः भेदः अस्ति वा? अहम् अस्माकं वर्गस्य अन्ते एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अवश्यं ददामि, चिन्ता मास्तु। अस्तु महोदय, धन्यवादाः। अर्चना, वदतु अर्चना महोदय। अर्चना जी, कुछ प्रश्न है पूछिए। कैन यू प्लीज रिपीट दोज लिट लकार लोट लकार वंस अगेन प्लीज। ओके, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पास्ट टेंसेस इन संस्कृत। वन विच इज हैपनिंग टुडे, आई मीन हैपन जस्ट बिफोर दिस टाइम बट टुडे। वन फॉर विच नो टाइम इज मेंशन्ड बट इट इज हैपन्ड इन द पास्ट, दैट इज सेकेंड टाइम। एंड द थर्ड टाइप इज परोक्ष, मीन्स विच इज नॉट हैपन्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, मीन्स फार फार, मीन्स टाइम वाइज इट्स फार अवे फॉर अस एंड इट्स इन द प्राचीन काल। दैट टाइप ऑफ लकार इज लिट लकार। सो ऑल द थ्री आर पास्ट टेंस। आई विल डिटेल इट, डिटेल अबाउट, आई मीन आई विल डू द डिटेलिंग अबाउट इट आफ्टर द कथोपक्रम, वी फिनिश द कथोपक्रम। ओके, अरुण कुमार। Okay. How? What are the other two called, Mahodaya? Like the लुंग remote लुंग past is called Litlakara, you said, right? लिट The other लकार। two which happened today and in the वन past. What? इज लुंग लकार। लुंग लकार इज व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, दैट इज सामान्य भूतकाल। एंड वन इज लंग लकार, अनद्यतन भूत। Okay, so which happened today but not now, is it Lang आई Lakar? विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल लैटर ऑन, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। Okay, I don't okay, want to miss the flow of the story. That's the reason, nothing else. okay, okay. It's not that I don't want to answer it. I don't want to answer it right now. That's it. Okay. Arun Kumar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हरति मतलब स्नैचिंग, उपहरति मतलब दान देना, देना सेवा हाँ, करना। उपहार, उपहार देना, उपहार देना। ओके मैम, दैट्स वो जो भी धातु होता है, जो भी वर्ब होता है, उसको जहाँ हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ जो होता है वो बदल जाता है। बलात् अन्यत्र नीयते, ऐसे कहा जाता है, तो अर्थ बदल जाता है वहां पे। कार्तिकेय। यस मैम। वो शांति का क्या अर्थ होता है? शांति? शांति मतलब क्षमाशील, अच्छा लेकिन वो आगे जाके हमें पता चलेगा कि वो क्षमाशील है कि नहीं है। अच्छा कुतूहल ठीक है, धन्यवाद। तो उत्पन्न रखना है, हम कथाएं पढ़ रहे हैं। हाँ, कार्तिकेय जी, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जयराम जी, नमस्ते टीचर। अर्थात नमस्ते। हाँ, प्रतिष्ठान अभिधान एक पदम अस्ति खलु, तत्र समस्त पदम। समस्त पदमेव अस्ति, परंतु तत्र यद्यपि अहम्
तत्र भेदः कृत्वा न दर्शयामि तर्हि के शब्दाः तत्र सन्ति तत् न अवगच्छामः इति कृत्वा तादृशं सन्धिरूपेण उक्तवती। तत्र समासः एव प्रतिष्ठान नाम अभिधानः इति कर्मधारय समासः इति एव अस्ति, परन्तु अस्माकं चर्चा अस्मिन् वर्गे समासस्य विषये कदापि न भवति। तो प्रायः अस्माकं प्रश्नाः नास्ति इति मन्ये। सो यू केन् डेफिनेट्लि आस्क् मी क्वश्चन्स् बै ईमेल्। नौ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग। अभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो भी हमने पढ़ा हुआ है आज उसके ऊपर 8-10 प्रश्न मैं आपको क्वीज स्वरूप में भेजूंगी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसका एक डेमो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो आप जरा 2 मिनट रुकिएगा। I will share other screen. स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी हाँ, तो ये क्वीज है। अभी उसको मैं अगर क्लासिक मोड पे प्ले करूंगी तो यहाँ पे कुछ प्रश्न आएंगे, लेकिन ये प्रश्न के पहले हमें यहाँ पे एंटर निकनेम करके आता है। तो यहाँ हमारा ईमेल, मतलब जिस ईमेल द्वारा आपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किया हुआ है उस ईमेल को आपको यहाँ एंटर करना है। ओके, तो मैं अभी मेरा ईमेल आईडी यहाँ डाल देती हूँ। पप्पे वनम शबा म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, ईमेल तो नहीं ले रहा है लेकिन मैंने मेरा पूरा नाम यहाँ लिख दिया है। ऋग्वेद में डैश संवाद है, कौन से संवाद है? तो उसका आंसर है पढ़ी सर्मापणि। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सर्मापणि संवाद है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है, तो अभी आगे का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र में डैश इस तंत्र का उपयोग हुआ, तो कौन सा तंत्र था? श्रृंखलात्मक डिब्बे में डिब्बा। आगे का प्रश्न। वेताल पंचविंशति में किसके मुख से कथाएं बताई गई है? पंडित के, वेताल के, शुक के या नृप के? तो इसका वेतांत करेक्ट है वेताल। सो इसके हमने 3 उत्तर दे दिए और हमें कितने गुण प्राप्त हुए ये भी यहाँ लिखा हुआ है। तो शायद आपको पता चल गया है हमें क्या करना है। तो एक क्विज की लिंक आपको हर सेशन के अंत में व्हाट्सएप पर भेजी दी जाएगी, तो उस लिंक पर क्लिक करके केवल 10 ही प्रश्न रहेंगे, उन 10 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। और इट विल बी अ फन
हम लोगों ने क्या देखा है, क्या सुना है, आज हमने क्या समझा है, इसके बारे में हमें वहां पता चल सकता है। तो अभी हमारा सेशन जो है वो खत्म होने के पहले आज जो हमने किया है उसका फिर से एक बार हम रिकैप करते हैं। और एक एक्शन, तो हमने देखा कि गुणाढ्य ने बृहत कथाएं लिखी थी सातवाहन के काल में, पैशाची भाषा में उसने लिखी थी, लेकिन सातवाहन राजा ने उसको अपमान करके बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में उसने हर एक पत्र का पठन करना प्रारंभ किया और हर एक पत्र का वो ज्वलन करने लगा, जलाने लगा। बाद में सिर्फ 100,000 कथाएं जो बची थी उनको राजा को दे के वो वहां से चला जाता है, ऐसा कथा सरित सागर में लिखा है। लेकिन ये कथाएं अभी अनुपलब्ध है। उसके बाद बुद्ध स्वामी ने, नेपाल वासी बुद्ध स्वामी ने 9वें शतक में इन कथाओं को बृहत कथा श्लोक संग्रह नाम से प्रसिद्ध किया। और उसके बाद क्षेमेंद्र जी ने 11वीं शतक में, जो कश्मीर निवासी थे, बृहत कथा मंजरी नाम के संस्करण में उपलब्ध कराया। और सोमदेव जो कश्मीर निवासी थे उसी काल में थे, उन्होंने कथा सरित सागर रूप नामक कथा संग्रह में उन्होंने इन कथाओं को इस संस्करण में प्रसिद्ध किया है। तो सोमदेव लिखित कथा सरित सागर जो है उसमें 18 लंबक है और 124 तरंग है, 21,388 पद्य श्लोक है, प्रायः सभी अनुष्टुप छंद है। इसके 12वें लंबक जिसका नाम है शशांकवती वृत्तम, इसमें 8वें तरंग में वेताल कथाएं आती है। उदाहरण के रूप में उसके श्लोक देखिए, जो अभी हमने जो परिच्छेद देखा है उसी के श्लोक है। प्रतिष्ठानाभिधानोऽस्ति देशो गोदावरी तटे, तत्र विक्रमसेनस्य पुत्र शक्र पराक्रमः, प्राक्त्री विक्रमसेनाख्य ख्यात कीर्तिर्भ रभु नृपः, तस्य प्रत्यहम आस्थान गतस्योप्येत भूपतेः, सेवार्थम शांतिशीलाख्यो भिक्षु फलमुपानयत्। यही परिच्छेद हमने पढ़ा है, लेकिन श्लोक में नहीं है बल्कि वाक्य के रूप में है। तो ये किसने लिखा है? तो देहली निवासी सुरेंद्रनाथ शास्त्री या कोचर, और कोचर जी ने ये लिखा है। छात्रों के लिए पुस्तक रूप ने ये में प्रसिद्ध किया है। इसकी द्वितीय आवृत्ति आर्काइव पे उपलब्ध है, उसका भी उसकी भी लिंक मैं आपको भेज दूंगी। इसकी शैली अत्यंत उत्तम है और इसका मूल प्रारूप जैसे के वैसे रखने का प्रयास किया है। इसमें गद्य रूप कथाएं आती है, 8 कथाएं हैं, 8 कथाओं के पहले कथोपक्रम है और अंत में कथोपसंहार है। इन्होंने विभिन्न शैलियों का उपयोग किया है, अपरिचित संधि नियमों का उपयोग किया है, वैकल्पिक रूप जो होते हैं उनका प्रयोग किया है और लुंग लकार का भी उपयोग उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए, अध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसा ये पुस्तक है। तो वेताल पंचविंशति कथा इस शीर्षक में क्या है? वेतालेन उक्ताः पंचविंशति ही कथाः, मतलब वेताल द्वारा बताई गई 25 कथाएं जो विक्रम और वेताल नाम के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन प्रायः सब लोगों ने उसका आरंभ क्या है, अंत क्या है मालूम है लेकिन भूल गए हैं, या फिर किसी को मालूम ही नहीं है। अभी जो हम पुस्तक पढ़ेंगे उसमें सिर्फ 8 कथाओं का ही अध्ययन होगा। इसके प्रारंभ में बाणभट्ट लिखित श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि निंदक जैसे आप काव्य में से दूषण मत ढूंढ निकालिए। और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सुंदर शरीर पे जो व्रण होता है वही मक्खियां का झुंड जाके बैठ जाता है, वैसे आप मत कीजिएगा। काव्य में जो अच्छी चीजें हैं उसको रसिकता से ग्रहण कीजिए, ऐसे उन्होंने प्रारंभिक श्लोक में लिखा हुआ है।
कथोपक्रम मतलब क्या है? ये घटनाएं कभी हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, पात्र कौन कौन है, इसका सब परिचय हमें कथोपक्रम में आता है। और हमने ये पहला परिच्छेद देखा कि जिसमें गोदावरी के तट पर विक्रम सेन का बेटा, जो अत्यंत कीर्तिमान था, वो त्रिविक्रम सेन का नाम का राजा हुआ। उसके सभा में जब वो आके बैठता था तो वहां उसकी सेवा के स्वरूप शांतिशील नाम का कोई भिक्षु एक फल लाके देता था। यहाँ तक आज हमने देखा है। तो अभी जिसने भी व्हाट्सएप की लिंक भेजने के लिए कहा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ईमेल द्वारा वो लिंक मिल गई होगी। अभी तो मुझे पॉसिबल नहीं है वो लिंक भेजना, लेकिन मैं आप ईमेल भेज दीजिए मुझे, मैं आपको, या फिर व्योमा के डिटेल्स है उस पे मेल भेज दीजिए, व्हाट्सएप की लिंक आपको मिल जाएगी। किसी ने मुझे पूछा था, और कोई प्रश्न था जिसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगी ऐसा बोला था। क्या था वो उत्तर? हाँ, पंचतंत्र के बारे में पूछा था। सो पंचतंत्र का क्या प्रश्न था? फिर से कोई पूछेगा मुझे पंचतंत्र का क्या प्रश्न था? किसी ने पूछा महोदय था? नमस्ते। हाँ, हाँ हाँ शंकरी जी पूछिए। हितोपदेष्टः हाँ हाँ पंचतंत्र ओके। कथा। हाँ, प्रायः पंचतंत्रों में जो कथाएं हैं, जो श्लोक है, उसमें से जो अच्छे श्लोक हैं, अच्छी कथाएं हैं, उनका ग्रहण करके संक्षिप्त रूप में हितोपदेश लिखा गया है। यस अरुण कुमार जी पूछिए। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। व्हाट्सएप लिंक लेखक को फर्स्ट लेखक अगर पेज में डाल दीजिए महोदय। हाँ डालूंगी, लेकिन मुझे अभी वो व्हाट्सएप आई विल फाइंड इट आउट, मैं आपको भेजती हूँ मैंने महोदय ज्वाइन लेखक। किया हाँ फर्स्ट पेज, इट इज प्लेस विद द फर्स्ट पेज, बी इजी फॉर एवरीवन टू एक्सेस। ओके, जस्ट अ मिनट। If you ask the Abhyarma team, they'll do it, ma'am. या आई विल आस्क व्योमा पीपल एंड दे विल सेंड इट बाय ईमेल, डोंट Okay. वरी अबाउट इट। महोदय, लेखकः हाँ समानः वा हितोपदेशस्य ना पञ्चतन्त्रस्य? ना नास्ति नास्ति महोदय। विष्णुशर्मा इति तु पञ्चतन्त्रकथा। हाँ हाँ किसी ने, नितिन जी ने यहाँ पे भेजा है, मैं उसी को कॉपी करके भेजती हूँ। जस्ट अ मिनट, थिंक आई कैन सेंड इट मैसेज। नो आई कैन सेंड इट। ओके, कैन यू सी द क्वेश्चन आंसर बोर्ड हियर? वहां पे लिंक आई हुई है। हाँ आपको लिंक, व्हाट्सएप की लिंक बाद में मैं भेजती हूँ ईमेल द्वारा। ओके, मीता जी। हाँ हाँ मीता जी पूछिए। हाँ नहीं मैम, मैं बस ये देखना चाह रही थी कि मेरी ऑडियो कैसे आपके पास जा रही है कि नहीं। ठीक है, बहुत आपको अच्छी तरह से आवाज आ रहा है। आप अनम्यूट करते हैं तब तब कर सकते हैं ना। हाँ, मैं अनम्यूट ठीक जी करूंगी तभी समझ जी से। जी जी मैम, ओके धन्यवाद। okay. हाँ, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो प्लीज ईमेल डाल दीजिए व्योमा को, आपको व्हाट्सएप की लिंक भेज दी जाएगी। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे भी डाल सकती, अगर अभी भी नहीं मिली है तो। उपगना जी ने भी अभी भेजी है, ज्वाइन इट प्लीज। ओके, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजती हूँ क्विज की, और आर्काइव बुक की वो भी लिंक आपको भेजती हूँ। हम प्रैक्टिस
प्रार्थना श्लोक कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। राम राम धन्यवाद। राम, धन्यवाद। राम राम राम। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।